हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस एलनट सेटिंग हेयर स्प्रे का। ये प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हुआ है इंडिया में, आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट। और ये एक हेयर स्प्रे है जिसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हम हेयर स्प्रे को डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें किसी पार्टी फंक्शन या फिर स्पेशल ओकेजन में जाना होता है तब ही हम हेयर स्प्रे का यूज़ करते हैं। और जब हम कोई भी हेयर स्टाइल करने के बाद किसी भी अदर हेयर स्प्रे को यूज करते हैं अपने हेयर के ऊपर, तो क्या होता है ना कि जो हमारे हेयर है बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और जो हेयर स्टाइल है वो वैसा का वैसा स्टक हो जाता है उसी जगह पर। हम उस हेयर स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते और हमारे बाल इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि हमें उनको वॉश ही करना पड़ता है। उसके बाद ही हमारे हेयर जो है वो नेचुरल पोजिशन में आते हैं, जैसे कि नॉर्मल हेयर है वो तभी हो पाते हैं जब आप अपने हेयर को वॉश करते हैं। लेकिन इस हेयर स्प्रे के साथ ऐसा नहीं है। जब भी आप इसको यूज करेंगे आपके जो हेयर है वो एज इट इज रहेंगे। इसको यूज किया जाता है अपने फ्लाईवेज को सेट करने के लिए, जो भी बेबी हेयर्स वगैरह होते हैं उनको सेट करने के लिए मैं इस प्रोडक्ट का यूज करती हूँ। और इसको यूज करने के बाद मेरे हेयर हार्ड नहीं होते हैं, उल्टा मेरे हेयर और भी ज्यादा हेल्दी दिखाई देते हैं और भी ज्यादा शाइनिंग ग्लोसी हो जाते हैं मेरे हेयर। तो मुझे पर्सनली ये वाला हेयर स्प्रे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। आप इसको बाय कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से, सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 साल के लिए है, आप इजीली 3 साल तक इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज 75 ml, तो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल रही है। तो इतनी सी बोतल है और ट्रेवल फ्रेंडली है, इजीली आप इसको अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा छोटी पैकेजिंग है और काफी ज्यादा हैंडी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपने बोतल को बहुत अच्छे से शेक करना है, उसके बाद आपने 30 cm दूर रख के अपने हेयर में स्प्रे करना है। और इसका स्प्रे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इवनली आपके पूरे हेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा नहीं है कहीं पे स्प्रे हुआ कहीं पे नहीं। और इसमें है यूनिक माइक्रो डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो कि आपके हेयर को सॉफ्ट बनाता है, हेल्दी लुकिंग बनाता है, शाइनी बनाता है और पूरे दिन के लिए आपके हेयर वैसे के वैसे स्टेबल रहते हैं। तो गाइस, आपने देखा कि इस हेयर स्प्रे को यूज़ कैसे करना है। तो अभी आप देख सकते हैं इस हेयर स्प्रे को यूज़ करने के बाद मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और मैं अपने हेयर में फिंगर्स घुमा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गए हैं इसको यूज़ करने के बाद। और जो भी छोटे छोटे बेबी हेयर्स और फ्लाईवेज थे वो भी एकदम सेट हो गए हैं क्योंकि आज ही मैंने हेयर वॉश किया है। और जब हम हेयर वॉश करते हैं तब क्या होता है ना कि छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स एंड फ्लाईवेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे फेस के ऊपर आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, लेकिन इस हेयर स्प्रे ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है जो कि मेरे हेयर को बहुत ही ज़्यादा शाइनी ग्लोसी बना देता है और मेरे जो बेबी हेयर फ्लाईवेज हैं उनको सेट कर देता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। और आप देख सकते हैं मेरे हेयर अब काफ़ी अच्छे से सेट हो चुके हैं और मुझे पर्सनली ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है ये वाला प्रोडक्ट। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, बिल्कुल भी आपको बॉदर नहीं करेगी इसकी फ्रेग्रेंस। अभी मैंने आपको इस हेयर स्प्रे को अपने ओपन हेयर के ऊपर यूज़ करके बताया है और अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं डेली कोई भी हेयर स्टाइल करने के बाद इस हेयर स्प्रे को यूज़ कर लेती हूँ अपने हेयर स्टाइल के ऊपर और मेरा हेयर स्टाइल एज इट इज़ ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है, बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता है। वैसे ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये आपके हेयर को 24 आवर तक स्टेबल रखता है, एज इट इज ही रखता है, लेकिन हम 24 आवर तक कोई भी हेयर स्टाइल बनाकर तो रहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये प्रोडक्ट आपके हेयर को एज इट इज ही रखता है सुबह से शाम तक। मैं इस हेयर स्प्रे का यूज करती हूँ अपने हेयर में स्ट्रेटनिंग करने के बाद, कर्लिंग करने के बाद और कोई भी एवरीडे काइंड ऑफ हेयर स्टाइल करने के बाद भी मैं इस हेयर स्प्रे का यूज करती हूँ। और अभी मैं आपको एक सिंपल सा हेयर स्टाइल करके बता रही हूँ जो कि मैं डेली करती हूँ और इस हेयर स्टाइल के बाद मैं अपने हेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर लूंगी, जिससे कि मेरा हेयर स्टाइल सुबह से शाम तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। और सिंपल फ्रंट से मैं ट्विस्ट करके हेयर स्टाइल बना रही हूँ और पीछे मैं एक पोनीटेल बना लूंगी। तो गाइस, मैंने हेयर स्टाइल कर लिया है और ये एवरीडे काइंड ऑफ हेयर स्टाइल है जिसको मैं डेली कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है और फटाफट से हो जाता है ये वाला हेयर स्टाइल। और अब मैं आपको ये वाली हेयर स्प्रे अपने इस हेयर स्टाइल के ऊपर करके दिखाऊंगी कि कैसे मेरा हेयर स्टाइल एज इट इज़ ही रहता है। बोतल को मैं दोबारा से अच्छे से शेक कर लूँगी, उसके बाद जो मैंने फ्रंट से ट्विस्टिंग की है और पोनीटेल के ऊपर मैं हेयर स्प्रे को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैंने कॉम्ब कर लिया है और मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा स्टेबल हो गया है। और गाइस, ये मेरी पहले की पिक्चर है, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब मैंने अपने हेयर स्टाइल की पिक्चर ली थी और ये बाद की पिक्चर्स हैं, 4 घंटे के बाद मैंने ये पिक्चर्स ली थी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है और मुझे नेक्स्ट डे शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो,
लोरियल पैरिस एलनट हेयर स्प्रे के ऊपर। आई होप आप लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरा ये वाला मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो ये मैंने क्रिएट किया है एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक, जो कि मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक है जिसको मैं डेली करती हूँ। बहुत ही सिंपल इजी पीजी सा मेकअप लुक है जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।